एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। नमस्कार, नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं डीएसएस के यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले एक हादसा हुई, एमवी शेर अली बोर्ड जो है, इंजन खराब होने के वजह से जो है यात्रियों को काफी परेशानियां हुई चाटम जट्टी के वहां पर। और ये बोर्ड जो है चाटम से डंडस पॉइंट और चाटम से बम्बो फ्लैट के लिए ये बोर्ड जो है चलता है। और इतने सारे बोर्ड है डीएसएस के अंडर जो है, इतने पुराने बोर्ड है, ये लोग मेंटेनेंस क्यों नहीं करते है? हम ये पूछना चाहते हैं। लोगों का जान को खतरा है। आए दिन हम देखते हैं जो है हादसा जो है होते ही रहता है, लेकिन फिर भी फेरी जो है बैक टू बैक जो है ये लोगों को यहाँ से वहां तक पहुंचाता है। मतलब ये अपना काम करते रहता है। बोर्ड हमेशा ही रनिंग है, लेकिन आखिर बात आती है इसकी मेंटेनेंस की। तो आखिर क्यों जो है अचानक से बोट में इतनी खराबी आ जाती है? और टेक्नीशियंस तो होते होंगे, तो आखिर क्यों वो लोग सक्षम नहीं है क्या ये चीज के लिए? क्योंकि आज जो हुआ है हादसा, जैसा बोट का इंजन अचानक से खराब हो गया, इससे पहले हम बता दें बैक टू बैक जो है हमने न्यूज कवर की थी, एक बोट ने जो लाइट हाउस के टावर को मार दिया था। और इससे पहले कुछ एक बोट ने जो है जट्टी छोड़कर जो है सूखे पे बालू में जो है बोट वालों ने जो है उतार दिया। आखिर ये सब का कारण है क्या? इतने पुराने बोट्स हैं, इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? डीएसएस डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज से हमारा यही सवाल है, आप लोग क्यों मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं? आए दिन जो है हमें ऐसा सब न्यूज सुनने मिलता है, और हम हमेशा ही जो है सच दिखाते हैं, और ये सच दिखाना ही हमारा काम है। और ग्राउंड रिपोर्ट हम हमेशा ही हर जगह पहुंचते हैं, और आज जो ये हुआ ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी। देखिए आप लोग इसमें खुद बताइए, इतना साल पुराना जो बोट है, इतना बोट को ये लोग जो है मेंटेनेंस प्रॉपरली क्यों नहीं करते? यही हमारा जो है पहला और आखिरी सवाल है, क्योंकि इससे जो है यात्रियों की जान को खतरा है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो डीएसएस से हम ये निवेदन करते हैं कि आप जो है न्यूज अब तक के द्वारा जो न्यूज जो ये जो चलाया जा रहा है, इसके ऊपर आप जो है ये बोट का आखिर हुआ क्या था, और जितना भी पुराना बोट है सबको आप मेंटेनेंस कीजिए। और हम आशा करते हैं कि हमारा जो न्यूज है ये आप तक जरूर पहुंचेगा, और इसका जो है आप जो है समाधान करेंगे। और क्योंकि बोट्स की ट्रिप जो है वो सवेरे से लेके जो है रात तक चलते रहती है, बैक टू बैक जो है बोट जो है चलते रहती है विदाउट ट्रस्ट। ये लोग जो है बोट के जितने भी कर्मचारी है वो सबको हम सलाम करते हैं। वो लोग अपना काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डीएसएस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसमें जो है हम किसके ऊपर जो है इसमें कसूरवार ठहराए? और हम आशा करते हैं कि आज जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे, और ऐसा कुछ आगे किसी के साथ ना हो। और इतना जो पुराना जो बोट्स है, आप लोग प्लीज जितना भी पुराना बोट्स है इस सबको आप लोग मेंटेनेंस कीजिए। जुड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज अब तक। और इस विषय को हम आपको बताते हैं, और भी इस तरह के काफ़ी विषय जो है हम आपके सामने हमेशा ही लाते हैं और लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज अब तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।